मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पंचतंत्र की कहानी मूर्ख गधा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका एक सेवक गिद्ध सदा उसके साथ रहता था। एक बार हाथी से युद्ध करते समय शेर बुरी तरह घायल हो गया। अब शिकार करने में भी वह अशक्त हो गया, तो नौबत भूखे मरने तक आ पहुंची। उसके साथ साथ गिद्ध को भी भूखा रहना पड़ता था। वह अलग बात थी कि गीदड़ इधर उधर मुंह मार आता था, मगर भरपेट भोजन तो उसे तभी मिलता जब शेर कोई शिकार करता। एक दिन भूख से व्याकुल होकर शेर ने कहा, मित्र गीदड़, अब भूख सहन नहीं होती, अतः तुम जंगल में जाकर किसी मूर्ख जानवर को फंसा लाओ जिसे मारकर मैं भोजन कर सकूं। यह सुनकर गीदड़ शिकार की तलाश करते करते एक खेत में चला गया। वहाँ पर एक गधा बड़े आराम से हरी हरी घास चर रहा था। प्रणाम मामा जी, गीदड़ उसके पास जाकर शिष्टता से बोला। आओ भांजे, कहाँ से आए? अरे मामा, मैं तो इस जंगल के किनारे पर ही रहता हूँ और जंगली फल फूल खाकर गुजर करता हूँ। मांसाहार मैंने छोड़ दिया है। रोज आपको यहाँ आकर घास चरते देखता हूँ। हालांकि घास अच्छी और मुलायम है, मगर सिर्फ घास से ही तो स्वास्थ्य नहीं बनता। मैं देख रहा हूँ कि आप दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। लगता है धोबी आपको भरपेट भोजन नहीं देता। तुम ठीक कहते हो भाई, उदास स्वर में गधे ने कहा। फिर ऐसे स्थान पर और ऐसे मालिक के पास रहने का क्या लाभ? गीदड़ ने अत्यधिक सहानुभूति और अपनापन प्रदर्शित करते हुए कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, वहाँ पर तुम्हें खाने को खूब मिलेगा। अब समझ रहे हैं, ये शेर ने जो बोला था उसी की तिकड़म भिड़ा के इसको फंसाना चाहता है। आगे, भाई मुझे जंगल से डर लगता है क्योंकि हम तो गांव में रहने वाले सीधे साधे जानवर हैं। अब भेड़िया बोलता है, मामा तुम किस प्रकार की चिंता मत करो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास पहले से ही कुछ ऐसी गधियाँ रह रही हैं जिन्हें धोबी ने खाने को कुछ नहीं दिया था। वास्तव में उन गधियों ने ही मुझे कोई पति लाने को कहा है। आपके आने से मेरी मामियों का घर भी बस जाएगा। गधे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस प्रकार वह मूर्ख गधा उस गीदड़ के साथ घायल शेर के पास पहुँच गया। जैसे ही गधे ने शेर को उठकर अपनी ओर आते देखा तो वह वहाँ से भाग निकला। गधे के भाग जाने के बाद गीदड़ ने शेर से कहा, आपने तो मुंह आए शिकार को भी खो दिया, अब क्या होगा? वास्तव में मैं उस समय तैयार नहीं था, तभी वह मेरे हाथ से निकल गया। ठीक है, मैं उसे दोबारा फंसा कर लाता हूँ, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस बार वह बचकर न जाने पाए, गिदड़ ने शेर को ऐसा बोला। यह कहकर गिदड़ एक बार फिर चल दिया। उसने रास्ते में गधे को घास चरते हुए देखा तो बोला, मामा तुम वहां से भाग क्यों आए? अरे वाह भांजे, तूने तो आज मुझे मरवा ही डाला था। वह तो कोई खूनी शेर लगता था जो जख्मी पड़ा था, ये गधे ने कहा। वाह मामा वाह, आपने भी कमाल कर दिया। यह सब आपके दिल में बसा डर है जिसके चलते आपने उस गधी को ही शेर समझ लिया जो आपका स्वागत करने के लिए आ रही थी। इस प्रकार गीदड़ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गधा एक बार फिर गीदड़ के साथ चल पड़ा। गधे के वहाँ पहुंचते ही शेर ने झट से उसे मार डाला और बोला, मैं जरा नदी पर जाकर मुंह धोआऊं, तब तक तुम इसकी रखवाली करो। ऐसा कहकर शेर चला गया। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे का दिमाग निकाल कर खा लिया। जब शेर वापस आया तो उसने पूछा, अरे इसका दिमाग कहाँ गया? मालिक आप भूल रहे हैं, इस गधे के पास दिमाग होता तो यह दोबारा मेरे साथ क्यों आता? शेर ने गीदड़ के बात पर विश्वास कर लिया था। अरे धूर्त, मगर अब मैं तेरी किसी भी चाल में नहीं आने वाला। शास्त्रों में लिखा है, धूर्त अपनी धूर्तता, बहादुर अपनी बहादुरी और कायर अपनी कायरता कभी नहीं छोड़ते। गीदड़ शेरनी का दूध पीकर भी गीदड़ ही रहता है, कैसे? लो सुनो, कहकर बंदर उसे एक नई कहानी सुनाने लगा। धन्यवाद।